नेपाल क्रिकेट से अगर हम बात करें तो 5 न्यू अपडेट्स यहाँ पर आ चुकी है। जी हाँ, काफी बड़ी अपडेट्स हैं और ये कहीं ना कहीं आगे के क्रिकेटिंग जर्नी को लेकर है कि आगे किस किस तरह से क्रिकेट आगे होने वाला है। ये 5 न्यू अपडेट्स हैं। कुछ टाइम पहले हमने आपको बताया थे, कुछ अपडेट्स आई थी नेपाल क्रिकेट से रिलेटेड, लेकिन आज जो ये अपडेट्स हैं ये काफी फ्रेश है, न्यू है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो वीडियो को लगातार देखते रहिए। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले अपडेट के बारे में। पहला अपडेट ये है कि कैन यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल, जो कि नेपाल क्रिकेट का बोर्ड है, वो वेडनेसडे को मीटिंग करने वाले हैं। जी हाँ, वेडनेसडे को मीटिंग उनकी हो सकती है, आज से 2 दिन बाद यानी वेडनेसडे को उनकी ये मीटिंग होगी। वो मीटिंग किस से रिलेटेड है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुके थे, लेकिन दोबारा हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स इसमें इंक्लूडेड है। पॉइंट नंबर 2 की अगर बात करें, सेकंड अपडेट की बात करें, तो आइए जानते हैं कि सेकंड अपडेट आखिर क्या है। बिल्कुल, और सेकंड अपडेट ये है कि जो वैकेंट पोजीशन है सेक्रेटरी की और वाइस प्रेसिडेंट की, उसको फुलफिल किया जाए। जी हाँ, ये सेकंड है जो कि वाइस सेक्रेटरी मिस्टर अशोक नाथ और जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट थे और जो सेक्रेटरी थे मिस्टर अशोक नाथ और जो वाइस प्रेसिडेंट थे मिस्टर राजा श्रेष्ठा, उन्होंने अपने स्टेप डाउन कर लिया था और कहीं ना कहीं ये जो पोजीशन है ये अभी खाली है। और इसी के साथ इसको फुलफिल करने के लिए भी इसमें जो पॉइंट है इसको उठाया जाएगा पूरी हुई। जी हाँ, इस मीटिंग में कहीं ना कहीं इस पे बात जरूर होगी कि आखिर इस वैकेंट पोजीशन को कैसे फिलअप किया जाए। यहाँ पर अगर बात करें तीसरे अपडेट की, तो जी हाँ, तीसरा अपडेट अब बताते हैं आपको कि आखिर तीसरा अपडेट क्या है। बिल्कुल, और तीसरा अपडेट यहाँ पे प्लेयर्स से रिलेटेड है। जी हाँ, उनके एनुअली कॉन्ट्रैक्ट को लेके, जी हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा हर बोर्ड में होता ही है। बिल्कुल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसको देखना होगा। हमारी नजर भी एक्चुअली इस पर पड़ी हुई है क्योंकि एनुअली कॉन्ट्रैक्ट है, बढ़ेगा कम होगा क्या होगा कुछ अंदाजा नहीं है, लेकिन उम्मीद है जो भी रिजल्ट आएगा अच्छा जरूर आएगा। जी हाँ, प्लेयर के हिसाब से ही इसको लिया जाए। जी हाँ, देखना होगा कौन से प्लेयर कौन सी कैटेगरी में आते हैं और किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एनुअली होता है, किस तरह की चीजें इसमें होती है, किस किस तरह की पर्क्स दिए जाते हैं, ये सारी चीजें इसमें डिस्कशन हो गया इस मीटिंग में जो कि वेडनेसडे को हो सकती है कैन की तरफ से। अब यहाँ पे चौथे अपडेट की बात करें अगर, तो चौथा अपडेट सच में बहुत ही बड़ा है। चौथा और पांचवा अपडेट जो है ये बहुत ही क्रूशियल है और काफी बड़ा होने वाला है, तो आइए आपको समझाते हैं कि आखिर चौथा अपडेट क्या है। बिल्कुल, और चौथा अपडेट बहुत, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, कैन ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा है दिसंबर मंथ में सीरीज कराने की। जी हाँ, और इसकी पूरी जिम्मेदारी मिस्टर विनोद दास को दी गई है जो कि क्रिकेट मैनेजर भी है, तो कहीं ना कहीं उनको दिया गया है कि वो आईसीसी से एक अच्छा रिस्पांस ले कि इसको वेरीफाई कराएं कि जल्द से जल्द ये हो, और आईसीसी से जैसी खबर आ रही है कि आईसीसी भी इसको क्लीन ग्रीन सिग्नल दे देगा। बिल्कुल पॉजिटिव है, पॉजिटिव वहां पे रिस्पांस आ रहा है आईसीसी की तरफ से भी, पूरा अनुमान है कि ये सीरीज दिसंबर में हो सकती है। जी हाँ, और विनोद दास को अगर बात करें तो उनके ऊपर ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कैन ने, और उम्मीद है कि वो इस पर बिल्कुल खड़े उतरेंगे। और जैसे कि आईसीसी पॉजिटिव रिस्पांस के साथ है इसमें, जैसे पहले आईसीसी कहते हैं आप रफ फिगर उसी में ब्लू प्रिंट मान के चलिए, आप रफ फिगर में आईसीसी पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ नजर आ रहा है, तो पूरी उम्मीद है कि दिसंबर में सीरीज का प्लान है कैन का, टीम्स को बुलाने का यहाँ पे प्लान है, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो सकता है, टीम्स के साथ खेलने का जो प्लान है वो सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो पूरी की पूरी विनोद दास के ऊपर है जो कि मैनेजर है नेपाल क्रिकेट बोर्ड के। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पांचवे अपडेट के बारे में। जी हाँ, पांचवा अपडेट काफी इंपॉर्टेंट है और ये है फिक्सर्स से रिलेटेड। फिक्सर्स मतलब मैच फिक्सिंग नहीं, मैच के जो फिक्सर्स होते हैं कि किस तरह से मैचेस होंगे, क्या डेट्स होंगी, कितने उड़े कितने उड़े, इससे रिलेटेड ये मैचेस है। जिस तरह का एक प्लान निकल के आ रहा है सामने वो आपको बताते हैं कि पांचवा ये इंपॉर्टेंट अपडेट आखिर है क्या। बिल्कुल, और पांचवा ये जो है पॉइंट ये बहुत ही अच्छा है कि इसको कैसे कराया जाएगा, ये भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि कैसे ऑर्गेनाइज कराया जाए, कैसे स्केड्यूल किया जाए, लेकिन इसकी भी एक ये निकल के आ रही है कि ऐसे पहली टीम को जो फर्स्ट टीम को बुलाया जाए नेपाल में, उनके साथ 2 मैच की ओडीआई सीरीज खेली जाए, उसके बाद फिर एक और टीम को बुलाया जाए, फिर ट्राई नेशन सीरीज इसको T20 ट्राई नेशन सीरीज कराई जाए, T20I ऑब्वियसली T20I ट्राई नेशन सीरीज कराई जाए, यानी कि पहले ओडीआई सीरीज किसी एक टीम के खिलाफ, उसके बाद किसी और एक टीम को बुला के नेपाल और 2 अदर्स, उसके बाद 3 टीम की ट्राई नेशन सीरीज T20 कराई। जी हाँ, तो ये कुछ तरह का प्लान है जो हो सकता है दिसंबर में जब सीरीज आपको देखने को मिलेगी। पहले ओडीआई मैचेस होंगे एक टीम के साथ, उसके बाद तीसरी टीम को इनवाइट करके तीनों टीमों के बीच में ट्राई नेशन सीरीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो कि T20 सीरीज होगी, T20I सीरीज होगी।
खैर ये एक पूरा प्लान है कि इस तरह से किया जा सकता है। जल्दी जल्दी से हम आपको दोबारा अपडेट दे दें कि आखिर टॉप 5 जो अपडेट्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले वेडनेसडे को बोर्ड मीटिंग होने वाली है, दूसरी उसमें वैकेंट पोजीशन जो है वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की वो फुलफिल करने की कोशिश की जाएगी, तीसरी प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट, सबकी नजर रहेगी कि आखिर किसको किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाता है, कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है, किसके पैसे बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, सारी बातें इसमें रखी जाएंगी। चौथी दिसंबर में सीरीज होनी है, जी हाँ, इसको लेके मैनेजर विनोद दास सर जो है उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो सीरीज किसी भी हाल में कराए। पांचवी अपडेट, किस तरह का इसका प्रोस्पेक्टिव रहेगा, किस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ सकती है, आपको क्या लग रहा है कौन सा पैटर्न इसमें से जो पांच जो हमने अपडेट बताए हैं इसमें सबसे ज्यादा नजर आपकी किस अपडेट में रहने वाली है, किस चीज पे रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा मेरी जो नजर है वो दो चीज पे है, दो चीज मैं कहूँ। एक तो एनुअली कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत ज्यादा उससे जो एक बोर्ड और प्लेयर्स में जो है बहुत ज्यादा आनाकानी देखने को मिलती है इसको लेके, और दूसरा मैं ये कहूंगा कि सीरीज का जो स्केड्यूल है उसे कैसे करके रखा जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैचेस मिले, थोड़े खेलने को मिले, थोड़ा सा ज्यादा मैच मिलेगा तो बेहतर होगा बोर्ड, क्योंकि बहुत टाइम बाद होती है सीरीज एसोसिएट की, तो ज्यादा मैचेस होंगे तो बेहतर। जी हाँ, और बहुत टाइम बाद क्यों होती है इसके पीछे भी काफी वजह है जो हम ऑलरेडी कल वीडियो बना चुके हैं, आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए, ऊपर आई बटन भी शायद आ रहा होगा, और बाकी आप हमारे चैनल पे वीडियोस देख सकते हैं कि वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है, इतना आसान नहीं होता है स्टेट टीम का होना, इसलिए काफी सोच समझ के मैचेस और टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं, वरना बहुत लोग ये सोचते होंगे अबे एक सीरीज ही तो करानी है इतना क्या सोचना है, लेकिन आप एस्ट्रेट क्रिकेट को फॉलो करना सीखिए भाई, उसके बाद आप समझेंगे कि एस्ट्रेट टीम्स को एक मैचेस या फिर सीरीज कराने में कितनी परेशानियां आती है, सारे मुद्दे हमने उठाए हैं अपने चैनल पे और अपने वीडियोस पे भी, कल भी हमने वीडियो बनाया था उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। खैर बहरहाल मेरी भी नजर बिल्कुल सही कहा आपने, एनुअल कॉन्ट्रैक्ट पे ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देखना होगा कि प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट में किस किस तरह से होते हैं, क्या कुछ प्लेयर इंक्लूडेड होते हैं या फिर क्या कुछ प्लेयर डिग्रेड होते हैं या फिर अपग्रेड होते हैं, या देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ अगर एक चीज यहाँ पर ऐड नहीं की गई है, कोच का क्या हो रहा है? बिल्कुल जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, क्योंकि कोच के बारे में शायद इतना बहुत फैंस भी चाह रहे हैं नेपाल के जल्द से जल्द कोच, क्योंकि सीरीज तो बिना कोच के होगी नहीं, पर जहां तक मुझे लगता है कि शायद किसी पार्ट टाइमर कोच को अभी दे दिया जाए, ऐसा लगता है इतना ज्यादा तेज तरह एक्शन, मुझे लगता है जब नेपाल अगला आईसीसी राउंड खेलने के लिए उतरेगा उससे पहले शायद किसी कोच की डिमांड पूरी कर सकते हैं, अदरवाइज हाँ ये हो सकता है जैसे अभी देखा हमने ट्राई नेशन सीरीज से पहले डेव व्हाइटमोर सर को कर दिया गया उसके बाद ही उनसे ये, लेकिन ऐसी उम्मीद कम है, क्योंकि अगर दिसंबर में आप सीरीज कराना चाहते हैं तो उससे पहले एक परमानेंट कोच मुझे तो लगता नहीं है कि शायद थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। जी हाँ, अभी टेम्पररी कहीं ना कहीं रखना होगा, उसके बाद आपके पास ऑप्शन ओपन होंगे कि आप या फिर आपके पास जो ऑलरेडी लेटर्स है उसमें से आप डिसाइड करें। सबसे बड़ी बात यही आती है कि आखिर कोचेस के लिए कोच बहुत इंपॉर्टेंट होगा टीम के लिए, क्योंकि कोच का साथ रहना जरूरी है, कोच आपको कई मायने में डेवलपमेंट में हेल्प करता हुआ नजर आता है, और जैसे कि हमने देखा व्हाइटमोर सर का जो रिकॉर्ड था काफी शानदार रहा, और उम्मीद है कि आगे भी जो कोच मिलेंगे बेटर मिलेंगे, लेकिन इस मुद्दे को भी जल्द मीटिंग में एक बार जरूर उठाना चाहिए, और इस पर भी कुछ बात सामने आनी चाहिए फैंस के कि आखिर कोच से रिलेटेड क्या कुछ अपडेट्स हमको देखने को मिलेगी, कौन कौन रेस में है, या फिर दोबारा से फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए इन्फॉर्म करेगा प्लेयर्स को, या फिर जो ऑलरेडी उनके पास लेटर्स पहुंचे थे, काफी लेटर्स पहुंचे थे, उनमें से किसी एक को वो सेलेक्ट करने वाले हैं, परमानेंट करेंगे या फिर शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे, ये सारी बातें धीरे धीरे खुल के आती रहेंगी, एक बार ये मीटिंग हो जाए तो शायद वहां से भी काफी कुछ अपडेट्स देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बंदरी डेली क्रिकेट चैनल के साथ सारी अपडेट्स यहाँ पे आपको लगातार मिलेगी, एशियन क्रिकेट से लेकर कंप्लीट क्रिकेट से रिलेटेड कवरेज यहाँ पे हम लगातार प्रोवाइड करने की आपको कोशिश करते रहते हैं, कम्युनिटी ऐप को चेक करना मत भूलिए। एक बांग्लादेश टीम जी हाँ ओमान के लिए रवाना हो चुकी है, उनसे पहले उन्होंने अलविदा कह दिया है, एक बार कम्युनिटी ऐप में जाके देखिए कि आखिर सब कितने ज्यादा पम्प्ड अप नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, डेली क्रिकेट चैनल के साथ लगातार बने रहिए, हमारे वीडियोस पसंद आई या अपडेट्स पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाइएगा, जरूर फिलहाल इस वीडियो में।